याद रखो, कुछ भी होता है ना अपनी लाइफ में वो अच्छे के लिए होता है, बुरे के लिए कुछ नहीं होता है। आपके लाइफ में जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। अब आपको भगवान बोल रहा है मेहनत कर ले बेटा, ये मेहनत है ना, आज चलो मान लो आपने 200% दिया, देना चाहिए आपको, आपका नीट में सिलेक्शन होगा नहीं होगा आपने को नहीं पता है, पर ना इसको ओवरबर्डन मत बना लेना कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरी तैयारी नहीं हो रही है, मैं क्या करूंगा। यार रिलैक्स होके काम करो, आप ज्यादा बर्डन लोगे तो आप सिलेक्शन से और दूर होते जाओगे, क्योंकि हर बड़ी में गलतियां होती हैं। आपको ना ये नहीं डालना कि मेरी डेस्टिनेशन क्या है, मुझे नीट में रैंक बनानी, सिर्फ ये सोचना है कि ये जो जर्नी है बेसिकली उसको मुझे अच्छे से जीना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो इसके लिए ना ठीक है, आप 8 घंटे दिन में पढ़ाई करो, 8 घंटे से ज्यादा पागल होने की जरूरत नहीं है। हाल फिलहाल अपने अपनी औकात के हिसाब से, अपनी स्टडी के हिसाब से प्लीज आप पढ़ो, धीरे धीरे अपने टारगेट इंक्रीज करो, जैसे एग्जाम और पास आएगा और अच्छे से पढ़ाई करो, बट ओवरबर्डन मत करो अपने आप को। कई लोग ना अपनी नींद गवा देते हैं, वो काम मत करो। एटलीस्ट आप लोग याद रखो कि आपको कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद तो लेनी ही है, प्लीज आप मत करो, नहीं तो अच्छे से सोओगे नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। समझ में आता है? हाँ, पर ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि केयरलेस हो जाओ, फिर तो नहीं कर पाओगे। तो ना तो आपको बहुत ज्यादा बर्डन लेनी है, ना केयरलेस होना, बीच का आराम से चलना है ऐसे, और बोलना है कि हाँ अपन कर लेंगे, अपन कर लेंगे, अपन कर लेंगे, ऐसा ना थांबा थांबा ऐसे बोलता है, आल इज वेल, अपन कर लेंगे, ऐसा प्यार से बोलना है। कभी कोई टेंशन हो जाए ना, तो देखो कितना अच्छा डायलॉग दिया होगा, 3 इडियट कितनी अच्छी थी, तो बोलना आपने आपको आल इज वेल, बहुत अच्छी चीज़ है, देखो सुकूनियत मिलती है, आल इज वेल, उल्लू बना अपने मन को, शांति शांति हो जाएगा।